मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुनना। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि आज का दिन तुम अपने लिए बड़ा ही शुभ मानते हो और उसी तरह खुश रहकर मेरी पूजा अर्चना भी करते हो। हाँ बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ और मंगलकारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने मुझे गुरु माना है और गुरु सेवा करना चाहते हो, और जब तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो तो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए, जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो भी तुम्हें दिया जाएगा। और मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए बाबा स्वयं आज तुम तक आए हैं। तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आएंगे जिससे तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे और प्रसन्न होकर अपने बाबा को धन्यवाद भी दोगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कई साल पहले मुझसे कुछ मांगा था, वो भी तुम्हें इन दिनों प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम खुशियाँ ही खुशियाँ बटोरोगे। हाँ बच्चे, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं और तुम अब हमेशा ही इसी तरह जिस तरह आज प्रसन्न हो उसी तरह प्रसन्न रहा करोगे, और तुम्हारे बाबा तुम्हें हमेशा इसी तरह प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए वो चमत्कार किया है जिसमें तुम आनंदित रहोगे, खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। हाँ बच्चे, तुम सारी जिम्मेदारियाँ निभा पाओगे, अच्छे से अपना कार्य कर पाओगे, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वो उपाय बता रहा हूँ जिसे तुम अपने जीवन में जरूर अपनाना। मेरे बच्चे, जब भी तुम बुद्धि का टीका अपने माथे पर लगाते हो तो उसे अपने कंठ पर भी लगाया करो, ऋण के निशान की तरह। इससे तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं आएगा, और ऐसा करके तुम जिससे भी बात करोगे तो वो भी तुमसे हमेशा प्रसन्न रहेगा, हर तरफ से तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होंगी। अब तुम्हारे सामने कोई भी दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। और मेरे बच्चे, तुम अच्छे कर्म करके अपना जीवन यूं ही बिताओ, और जब भी कभी तुम्हें समय मिले तो सच्चे मन से साईं सच्चरित पढ़ो। जब तुम्हारी इच्छा हो तो दिल से पढ़ो, तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर है। तुम्हारे जीवन का ये दिन बड़ा ही शुभ साबित होगा, तुम्हारे लिए हर ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, तुम्हें वो भी प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।